2 अक्टूबर 2021 की रात मुंबई के समुद्र किनारे कौडिल्या क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बाद में एनसीबी ने क्लीन चिट दे दिया। हालांकि यह केस हमेशा सुर्खियों में रहता है, न केवल ये केस बल्कि इस केस से जुड़े हुए लोग, इस केस से जुड़े हुए अधिकारी भी सुर्खियों में रहते हैं। इस केस से जुड़े हुए अधिकारियों पर कई प्रकार के आरोप भी लग चुके हैं। ताजा वाकया एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर, एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े और उनके सहकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और उन पर आरोप लगाया कि कौडिल्या क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बरी करने के लिए पैसे की लेनदेन हुई, यानी रिश्वत की लेनदेन हुई। इस मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और उनके सहकर्मियों के घर पर, रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी भी की। समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को 5 दिनों की मोहलत दी, अंतरिम राहत दी और बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करने को कहा। समीर वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचकर समीर वानखेड़े ने याचिका की है, उसमें अपना पक्ष रखा है। इस याचिका में उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया वो नियमों का पालन करते हुए कहा और जो भी उन्होंने कदम उठाए इसकी जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह थे, उनको इस तमाम डेवलपमेंट के बारे में बताया और साथ ही साथ उनको सभी विषयों का संज्ञान था। जो बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने याचिका दायर की है, उसमें समीर वानखेड़े ने अपनी और अभिनेता शाहरुख खान के बीच हुई बातचीत, चैट का भी जिक्र किया है। 12 पन्नों का चैट इस पिटीशन में जिक्र किया है। उस चैट की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। मेरे हाथ में जो ये 12 पन्नों का दस्तावेज है, ये अभिनेता शाहरुख खान और एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच की बातचीत का चैट है। और ये जो बातचीत है, ये आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके संदर्भ में ये पूरी बातचीत है, जिसमें एक तरफ अभिनेता शाहरुख खान बतौर पिता एक बेटे के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए दया भाव दिखाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े कानून और कानून के तहत की जा रही कार्रवाई और शाहरुख खान को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये 12 पन्नों की ये कॉपी है। ये जो चैट है, ये अभिनेता शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच की चैट है। हम बारी बारी से इस चैट के अंश को देखते हैं और थोड़ा इसकी एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार किस संदर्भ में बातचीत की गई है, क्या कुछ बातचीत की गई है। देखिए, तो ये जो चैट है इसकी शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 2021 को और ये सुबह 10:37 का समय है। शाहरुख खान का ये मैसेज है। मैसेज में जो पहला वाक्य लिखा गया है, समीर साहब, मे आई स्पीक विथ यू फॉर अ मिनट प्लीज, रिगार्ड्स शाहरुख, क्या मैं एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। आई नो दिस इज ऑफिशियली इनअप्रोप्रिएट एंड मे बी आउटराइट रॉन्ग, बट वंस एज अ फादर आई कैन स्पीक विथ यू, प्लीज, लव, SRK। शाहरुख खान जो बातचीत की शुरुआत करते हैं उसमें ये कहते हैं कि मुझे पता है कि आधिकारिक तौर पर नियमों के तहत ये उचित नहीं होगा, लेकिन एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लव, SRK। जिसमें शाम के समय 5:14 पर उसी 3 अक्टूबर के दिन समीर वानखेड़े रिप्लाई करते हैं, प्लीज कॉल, और उस पर मैसेज आता है, लेट मी, इज इट अ गुड टाइम टू कॉल, जस्ट ट्राइड, थैंक यू। शाहरुख खान पूछते हैं क्या उचित समय है आपसे बात करने का, मैंने प्रयास किया, संभवतः इसके बाद शायद बातचीत हुई होगी, उसका ब्यौरा इसमें नहीं है। लेकिन शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें है, जिसमें शाहरुख खान लिखते हैं कि कांट थैंक यू इनफ फॉर ऑल द थॉट्स, जो भी आपने कहा उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी आपने मुझे पर्सनल इनसाइट जो जानकारी दी उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि मैं और आप दोनों ही प्राउड होंगे भविष्य में, और दिस इंसिडेंट विल प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, यानी आर्यन के बारे में बात हो रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ड्रग्स मामले का, ये इसकी जिंदगी का सबसे बदल देने वाला पड़ाव होगा, और इस देश को ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए जो इस देश को आगे बढ़ाएं। दिस कंट्री नीड्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग यंग पीपल टू टेक इट फॉरवर्ड, यू एंड आई हैव डन इट। शाहरुख खान कह रहे हैं कि मैंने और आपने अपना कर्तव्य निभाया है। अगला जो पन्ना है, जो कि याचिका के मुताबिक 91 का पेज है, उस पेज में देखिए लिखे हैं, गॉड ब्लेस यू, आई हैव टू कम पर्सनली वेन एवर यू से एंड गिव अ हग टू यू। शाहरुख खान कहते हैं कि मुझे जब भी समय हो बताइए, मैं आऊंगा, आपके गले लगना चाहूंगा, लेट मी प्लीज नो वेन एवर यू इट्स कन्वीनियंट फॉर यू।
रियली आई हैव ऑलवेज हैड द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर योर अपराइटनेस एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि आपके लिए जो इज्जत थी वो इज्जत और बढ़ गई है, बिग रेस्पेक्ट, लव SRK। समीर वानखेड़े इसमें बहुत ज्यादा रिप्लाई लिखित रूप में करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें लिखा है श्योर डियर विल कैच अप, लेट दिस गेट ओवर सून। बिल्कुल डियर, ये हम जल्दी ही मिलते हैं, इसे खत्म होने दीजिए। जिस पर शाहरुख लिखते हैं यस प्लीज हेल्प मी इन मेकिंग इट सून, बिल्कुल इसे जल्दी खत्म करने में मदद कीजिए, शुक्रिया। उसके बाद में शाहरुख खान जो है एक पिता के तौर पर जो मैसेज है, संदेश है, वो बताने की कोशिश करते हैं, पिता के तौर पर अपनी जो भावना है वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं, वो बार बार समीर वानखेड़े यानी आप इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जिस पर ये देखिए समीर वानखेड़े भी आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, शाहरुख ही हैज़ बीन अ गुड किड ऑल द वाइल एंड होप दैट ही विल बी फॉर श्योर नाउ बी रिफॉर्म्ड ऑल्सो इनफ काउंसिल बाई मी, हार्ड डेज विल बी ओवर सून। शब्द थोड़े साफ नहीं है, लेकिन जो समीर वानखेड़े ने लिखा है कि बुरे दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन एक समीर वानखेड़े ने दिया है। जिस पर लंबा चौड़ा मैसेज जो है वो शाहरुख खान ने जवाब के तौर पर लिखा है, और लिखा है कि पिता के तौर पर वो क्या महसूस करते हैं, पिता के तौर पर वो कितना ज़्यादा परेशान है, और उन्हें नहीं पता कि टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं डिपार्टमेंट की, यानी कि कानून को लेकर क्या कुछ कहता है उन्हें नहीं पता, और वो यूनिफॉर्म का सम्मान करते हैं कि जो भी आप कॉपरेशन चाहिए हम पूरी तरह से देंगे। और यहाँ देखिए एक बात शाहरुख खान लिखते हैं, जस्ट प्लीज कंसीडर दिस रिक्वेस्ट फेवरेबली, इट विल बी अ ह्यूज फेवर बिकॉज द फैमिली जस्ट वांट्स हिम होम, नॉट गेट स्टैम्प्ड विथ हैविंग बीन अ कन्विक्ट इन अ नोटोरियस प्रिजन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात शाहरुख खान कर रहे हैं कि परिवार चाहता है कि आर्यन खान घर पर आ जाए, और परिवार नहीं चाहता है कि उसके ऊपर एक थप्पा लग जाए कि वो एक क्रिमिनल है। इस प्रकार से शाहरुख खान यहां पर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, एक लंबा चौड़ा मैसेज शाहरुख खान ने लिखा हुआ है, और हर मैसेज के बाद वो एक साइन लिखते हैं लव SRK, जो कि वो हर मैसेज में वही बात लिखते हैं लव शाहरुख खान। यहां पर देखिए इतने बड़े मैसेज का समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, डियर शाहरुख आई एम्पथाइज यू एज अ फादर, थिंग्स विल बी फाइन, एक पिता के तौर पर मैं आपसे अपनी सद्भावना रखता हूं और चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी। जिस पर शाहरुख खान का रिप्लाई आता है गॉड ब्लेस यू मैन लव SRK। ये तो एक दिन की बातचीत हुई, फिर ये बातचीत यही खत्म नहीं होती है, ये बातचीत कई दिनों तक जारी रहती है, और ये देखिए 13 तारीख की फिर बातचीत आ जाती है। 13 तारीख की जो बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, 13 तारीख को पहला मैसेज जो शाहरुख खान का है दोपहर के समय 1 बजे के, प्लीज शो सम काइंडनेस माई मैन लव SRK, थोड़ी दया दिखाइए, आई कैन ओनली प्लीड एंड बेग यू एज अ फादर, मैं एक पिता के तौर पर सिर्फ याचिका कर सकता हूं और भीख मांग सकता हूं, यानी गुजारिश कर सकता हूं। इस प्रकार की बातें शाहरुख खान ने लिखी अपने बेटे के लिए। तो देखिए इन बातों से एक चीज तो समझ में आती है कि शाहरुख खान और पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा चिंतित था, और इस बात को लेकर चिंतित था कि आर्यन खान के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए दया दिखाने की बात कर रहे थे। जिस पर देखिए समीर वानखेड़े ने एक बड़ा सा जवाब लिखा है, और डियर शाहरुख आई विश आई कुड टॉक टू यू एज अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन यू अबाउट द करेंट सिचुएशन नॉट एज अ जोनल डायरेक्टर। समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि मैं जोनल डायरेक्टर के तौर पर नहीं, एक दोस्त के तौर पर काश मैं आपको समझा पाता कि क्या कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार से समीर वानखेड़े ने अपना पक्ष रखा है, ये काफी लंबी बातचीत है, और समय समय पर शाहरुख खान एक बहुत बड़ा मैसेज जो समीर वानखेड़े को भेजा करते थे, लगभग एक एक पन्ने का एक मैसेज बनाकर वो लिखा करते थे। मुख्य रूप से इन बातों से यही समझ में आता है कि वो एक पिता के तौर पर बहुत ज्यादा परेशान थे, वो बार बार यही कर रहे थे कि दया दिखाइए थोड़ी, और आर्यन घर आ जाए, परिवार के लोग चिंतित थे उसके ऊपर एक क्रिमिनल का थप्पा न लग जाए, यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कोई भी वाक्य पूरे बातचीत में उठा लें तो यही समझ में आता है कि शाहरुख खान बेहद ज्यादा परेशान थे, और वो हर जगह याचिका की बात कर रहे थे, दया। यहाँ की बात देख लीजिए, आई बेग यू मैन प्लीज, इट्स लार्जर थिंग माई सन एंड माई फैमिली, आई स्वेयर प्ले नो पार्ट इन, हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, आई हैव इवन रिफ्रेंड फ्रॉम टॉकिंग टू एनीवन, मैंने किसी से बातचीत नहीं की, इवन टोल्ड ऑल द फुलिश पीपल नॉट टू स्पीक ऑन माई बिहाफ, मेरे हवाले से भी किसी को बातचीत करने से मैंने मना कर दिया है। तो ये भी बातें शाहरुख खान यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार देखिए कि कितने बड़े बड़े मैसेज जो है वो शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को भेजे थे।
और हर वाक्य के अंत में कई जगहों पर आपको ये शब्द दिख जाएगा, आई बेग यू। देखिए यहां पर भी प्लीज हैव अ हर्ट मैन, प्लीज आई बेग यू। तो बड़े गिड़गिड़ाते हुए शाहरुख खान ने जगह जगह पर यह चैट लिखी हुई है, प्लीज कॉल मी एंड आई विल टॉक टू यू इन माई कैपेसिटी एज अ फादर, नॉट एनी अदर वे, यू कैन हियर फ्रॉम मी दैट आई मीन एवरी वर्ड आई हैव सेड, यू आर अ जेंटलमैन एंड अ गुड हस्बैंड एंड आई एम द सेम। शाहरुख खान ये बात करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं, मैं भी उसी तरह का इंसान हूँ, मुझे एक शाहरुख खान के नहीं एक पिता के तौर पर आपसे बात करनी है, और मैंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की किस प्रकार से सभी नियमों में बंधे हुए हैं, आई बेग यू मैन प्लीज डोंट लेट हिम बी इन दैट जेल। बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं शाहरुख खान के आर्यन खान को जेल में ना रखा जाए, दिस हॉलीडेज विल कम एंड ही विल ब्रेक एज अ ह्यूमन बींग, हिज स्पिरिट विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड पीपल, यू प्रोमिस्ड यू विल रिफॉर्म माई चाइल्ड नॉट पुट हिम इन प्लेस वेयर ही मे कम आउट कम्प्लीटली। शाहरुख खान बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि अगर आर्यन जेल में है तो वो ऐसे लोगों के बीच रहेगा जहां उसका भविष्य खराब हो सकता है, वो बतौर इंसान खराब इंसान बन सकता है। और शाहरुख खान ये भी याद दिला रहे हैं समीर वानखेड़े को कि आपने वादा किया था कि उसको काउंसिलिंग करके एक अच्छा इंसान बनाकर भेजेंगे। फिर यहां देखिए किस प्रकार की चैट्स हैं, हम पेज नंबर 97 पे आते हैं और यहां देखिए शाहरुख खान के पूरे मैसेज है, यू हैव नोटिस माई बिहेवियर थ्रू ऑल दिस, यू नो आई वुड नेवर स्टैंड एनीथिंग अगेंस्ट वॉट आर यू डूइंग। तो ये पूरी बातें जो हैं ये शाहरुख खान लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि कई बार कई जो शाहरुख खान के मैसेज हैं उसके मैसेज में समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं नजर आ रहा है, तो क्या वाकई में समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया या फिर वो जवाब इसमें मेंशन नहीं किए गए या डिलीट कर दिया गया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और साथ ही साथ देखिए 14 अक्टूबर को एक मैसेज शाहरुख खान ने किया है, वुड यू स्पीक विथ डॉक्टर प्लीज, बेटी से बात करेंगे, आई विल मेक हर कॉल यू जस्ट नाउ, यानी कि सुहाना की बात करें कि सुहाना खान भी आपसे एक बार बात करना चाहती है। ये चैट निकलकर सामने आया, फिर इस चैट के 98 नंबर का जो पेज है इस पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चैट में जिक्र किया गया है, आई विल मेक हर कॉल जस्ट नाउ, आई प्रोमिस यू आई विल फॉलो ऑन माई ओन, गेट दिस पर्सन डील विद द वे ही डिजर्व्स। किसी थर्ड पर्सन के भी बारे में यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ बातें हो रही होंगी, इसका संदर्भ स्पष्ट नहीं है, प्लीज डोंट ब्रेक आवर हार्ट टूडे माई मैन। ये देखिए बार बार शाहरुख खान गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा आज दिल मत तोड़िए। ये उस वक्त की बातचीत है जब कोर्ट में लगातार अपील की जा रही थी शाहरुख खान के वकीलों द्वारा कि आर्यन खान को जमानत मिल जानी चाहिए, तो ऐसे पर शाहरुख खान बार बार गिड़गिड़ा रहे थे कि आज दिल मत तोड़िए और मेरी बेटी से एक बार बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना चाहती है। और यहां देखिए जिस प्रकार से लिखा है, आई एम अ काइंड एंड जेंटल पर्सन समीर, प्लीज डोंट लेट माई फेथ ब्रेक इन यू एंड द सिस्टम, प्लीज इट विल शैटर अस एज अ फैमिली। यहां भी देखिए शाहरुख खान के गिड़गिड़ाते हुए शब्द हैं कि मैं बहुत दयालु और सादा इंसान हूं समीर, मेरा भरोसा मत तोड़िए सिस्टम से और आपसे, और ये हमारे परिवार को पूरी तरह खत्म कर देगा, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू हेल्प, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवर। यहां पर शुक्रिया भी अदा करें शाहरुख खान कि आपने हमारी मदद करने की कोशिश की। यहां समीर वानखेड़े भी लिख रहे हैं कि पेंस माई हर्ट टू बाय रिसेंट डेवलपमेंट, हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुई है उससे मेरा भी दिल बहुत ज्यादा दुखा है, नो वन इज हैप्पी एंड फ्रॉम आर साइड नो वन, आगे के चैट नहीं है, तो इसमें लिखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से कोई भी खुश नहीं है। ये चैट जो है वो कई दिनों तक चला हुआ है, चैट जो है जिसकी शुरुआत 3 तारीख को हुई थी, उस 3 तारीख से लेकर 14 तारीख या आने वाले दिनों तक इस प्रकार की चैट है। शाहरुख खान के लंबे लंबे मैसेजेस हैं जिस पर कई बार समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है, कई बार सिर्फ एक दो वाक्य का उत्तर दिया है। शाहरुख खान यू आर, ये समीर वानखेड़े का मैसेज है, शाहरुख आई नो यू आर अ फाइन ह्यूमन बींग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखिए, आप अच्छे इंसान हैं, इस प्रकार का एक मैसेज है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शाहरुख खान मैसेज भेज रहे हैं। यहाँ पर एक लंबा चौड़ा मैसेज समीर वानखेड़े ने भेजा है जिस पर शाहरुख खान ने जवाब लिखा है, इंशाल्लाह बट आई एम ऑनेस्टली फील यू मेड द बेस्ट एफर्ट इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी एंड आई डिड इट सो फार एज अ फादर, एक पिता के तौर पर मैंने जो संभव था वो यहाँ करने का प्रयास किया। कुछ इसी प्रकार के चैट अंत तक हैं जिसमें शाहरुख खान या तो अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, या तो समीर वानखेड़े से अपेक्षा रख रहे हैं, या फिर समीर वानखेड़े की तारीफ कर रहे हैं और सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू आर अ गुड मैन प्लीज बी काइंड टू हिम टुडे आई रिक्वेस्ट लव SRK।
जिस पर समीर वानखेड़े रिप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स डोंट वरी। तो ये एक लंबी चौड़ी जो चैट है वो सामने है। ये लगभग 12 पन्नों की जो चैट की कॉपी अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने जिक्र किया है, इसे कोर्ट में दायर किया है, इसे बतौर सबूत कोर्ट में रखा गया है। और इसमें समीर वानखेड़े का ये दावा है कि इस पूरे बातचीत के दौरान उन्होंने नियमों का पालन किया, उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई नियम नहीं तोड़े और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी, जो भी कानूनी कदम उठाए गए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देते रहे। इस चैट से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक ये कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए एक तो लगातार गिड़गिड़ा रहे थे, लगातार समीर वानखेड़े की तारीफ कर रहे थे और चाहते थे कि आर्यन खान जल्द से जल्द घर आ जाए, जिसको लेकर उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। वहीं समीर वानखेड़े ने जो चैट दिया है उससे ये अब तक के चैट से स्पष्ट आता है कि समीर वानखेड़े ने कहीं भी चैट के माध्यम से जो बातें लिखी हैं उसमें शाहरुख खान या आर्यन खान का कोई बचाव करते या पक्ष लेते नजर नहीं आए, लेकिन शाहरुख खान को सांत्वना देते हुए जरूर नजर आए हैं। हालांकि अभी पूरा मामला कोर्ट में है, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े ने याचिका की है जिस पर सुनवाई चल रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी है उसमें यह कहा गया है कि चूंकि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का है, तो ऐसे पर समीर वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करें और बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका दायर की है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।